बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां कूड़ा डंपिंग जोन निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत एवं जांच की मांग जिलाधिकारी से की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि लमगांव रोड पर पालिका द्वारा निर्माण किए जा रहे कूड़ा डंपिंग जोन में वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसमें कि 1,34,00,000 की लागत से बनने वाले डंपिंग जोन पर नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ से भी अधिक की MV नगर पालिका के मुख्य अभियंता के द्वारा बनाई गई है। साथ ही टेंडर की अवधि के तय समय के बाद भी इसका काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि डंपिंग जोन का काम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा नगर पालिका परिषद बराड़ को जो कूड़ा निस्तारण हेतु भूमि आवंटित की गई थी, इसमें जो है पिछले कुछ वर्ष जो है कार्य चल रहा था, इसमें कूड़ा निस्तारण केंद्र बनना था, जिसके लिए जो है पालिका का जो है ठेकेदार के साथ जो अनुबंध हुआ था उसमें जो है तय धनराशि जो है 1,11,00,000 के समथिंग थी। और उसके बाद जो है कार्य जब आगे किया गया, जब माप पुस्तिका तैयार की गई, उस अनुसार जो है फिर इनको जो है 1,27,00,000 के समथिंग का पेमेंट भुगतान किया गया है। लगभग जो है इसमें कुछ अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया। साथ ही जो है इस कूड़ा निस्तारण केंद्र का जो है कार्य जो अनुबंध में तय था, जो शेड्यूल भी में जो कार्य दिखाए गए थे, उसके अनुरूप ये कार्य नहीं हुआ है। और जो कूड़ा निस्तारण केंद्र की जो जगह है वहाँ पर जो है सिर्फ एक समतलीकरण का कार्य किया गया है। और जिस तरीके से जो पूरा प्लांट एक कूड़ा निस्तारण के संबंध में तैयार होना था वो पूरी तरीके से अधूरा है, जिससे कि कूड़े की समस्या जो लगातार वर्षों से बनी आ रही है। और जो तय अनुबंध है उसके अनुसार 3 महीने में जो है कार्य पूर्ण होना था, जिसमें क्या 17 माह अतिरिक्त समय हो गया है, उसके बाद भी कार्य जो है पूरी तरह से अपूर्ण है। साथ ही में जो है उक्त कार्य की जो MB 2,53,00,000 के लगभग की कर दी गई है, जिसमें कम से कम 1,37,00,000 की MB जो है अनुबंध के ऊपर जो है अतिरिक्त कर दी गई है। साथ ही जो है अगर आप उक्त स्तर पर जाएंगे तो आपको सिर्फ एक समतलीकरण और दीवार के अलावा जो है आपको वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा। जिस तरीके से जो कार्य के जो आइटम अनुबंध के अनुसार दिए गए थे उस तरीके से जो है कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है। आज मेरे द्वारा जो है जिलाधिकारी जी को जो ज्ञापन दिया गया, जिसमें जो है हमने इस कार्य की जांच के लिए जो है पत्र प्रेषित किया है, ताकि जो कूड़ा निस्तारण संबंध में जो है जो प्लांट बन रहा है उस पर एक जांच हो और कार्य क्यों अपूर्ण हुआ है या कौन इसमें यदि दोषी है तो उसके ऊपर जो है जाँच करके जो है कार्रवाई की जाए। कहते हैं इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और आपके सामने पड़ा हुआ है, लोगों को थोड़ा गलत फहमी उसमें। एक्चुअल जो कूड़ा निस्तारण केंद्र का पैसा है ये आया था अपने वहाँ के लिए, चीमा के लिए पहले, और चीमा से हमने ट्रांसफ़र कराया DM साहब से यहाँ के लिए, चूँकि चीमा में ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई, फॉरेस्ट लैंड थी, सेंक्शन नहीं हो पाई। अब क्योंकि शुरू में हमें जो DM साहब ने ज़मीन दी थी वो थी 2-3 नाली, और वो बहुत नाकाफ़ी थी, कम थी, उसके हिसाब से उस एस्टिमेट के हिसाब से ही पैसा यहाँ पर यूज़ होने लगा। अब उसके बाद हमने फिर प्रयास किया दूसरे DM साहब से, तो उन्होंने ज़मीन हमें थोड़ा और दे दी, अब हमारे पास 7-8 नाली के आसपास हो गई। तो वहाँ पर लोगों को बहुत विरोध था, हाई कोर्ट भी लोग तिरोध लोग गए थे उस समय। ये देखते हुए DM साहब ने कहा कि जितनी ज़मीन हमने आपको दे दी आप इसको पहले डेवलप करो और तत्काल करो, इसमें आप कोई कोताही मत बरतो। तो हमने ये सोचा कि पहले हम इस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लें, इसलिए जो पैसा ज़्यादा लगा है और जो पूरा काम नहीं हो पाया वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास ज़मीन कम थी और अब ज़्यादा हो गई, और हमने पूरे में भाई पूरी ढालदार ज़मीन थी, उसके समतलीकरण करना बहुत आवश्यक था, तभी सारे काम बनते, और समतलीकरण करा और उसमें जो दीवारें लगाई उसके वजह से को वो बढ़ गई, उससे पैसे एक्स्ट्रा लग गया उस पर, और बाकी हमने रिवाइज एस्टिमेट दे के हमने शासन से पैसे की और मांग कर रखी है, पैसा और आएगा तत्काल हम उसको पूरा बनाएंगे, क्योंकि 10 टन कूड़ा तो हमारे शहर का ऐसे ही है और रोज़ के रोज़ कूड़ा बढ़ना है, घटना तो है नहीं, इसलिए ज़मीन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेहतर हो पाएगा, नहीं तो वो भी जल्दी वो जो है कूड़ा निस्तारण केंद्र फेल हो जाता, काम हो नहीं पाता, उसमें मशीनें पूरी लग नहीं पाती जो पहले था, इसलिए हमने ज़मीन की और डिमांड की थी। और जहाँ तक जाँच का संबंध है हमें कोई इतराज़ नहीं है, तत्काल जाँच हो सकती है, कोई भी चले जाए वहाँ पर दिख सकता तो आँख से दिख रहा लगातार इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन, हम तो पूरा रामला मैदान बन गया, इतना बड़ा ज़मीन बना दी हमने नगर पालिका के लिए, और नगर पालिका की प्रॉपर्टी हो गई, नगर पालिका का नाम बकायदा दर्ज हो रखी है, लेकिन लोगों को गलत फहमी है। और कुछ लोगों का काम सिर्फ यही है कि अब देखो चुनाव आने वाले हैं 5-7 महीने बाद, तो लोग गलत फहमी की शिकायत है यार चुनाव आ जाए तो हम किसी की शिकायत करके शायद हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए, लेकिन जो लोग शिकायत करते हैं समाज में वो अव्वल में नहीं, वो सबसे पीछे के नंबर में रहते हैं, जो भी शिकायत करते हैं पूरे उस पर समाज में, समाज उनको अच्छी दृष्टि से देखता नहीं है।
देखिए, और हाँ जो जायज़ बात है उसको आप करिए, लेकिन केवल आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए झूठ और उसका सहारा लें और केवल ब्लेम लगा दें बिना सोचे समझे, तो बहुत गलत बात है। उन लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कई बार ऐसी शिकायतें कर ली लेकिन उनका नतीजा जीरो निकला, सिर्फ जीरो। क्योंकि और वो लोग खुद अपने गिरेबान में जाके वो क्या क्या करते हैं, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी सरकार की वो कर रखी है,